गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज क्या है? आज है 1 जनवरी 2021, यानी 20th चला गया। अब स्टार्ट हुआ 2021, ठीक है। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। आपको क्या बोलना है? सेम टू यू, ठीक है। आप अपने घर में सभी को, जो आपसे बड़े हैं छोटे हैं, सबको आप क्या बोलोगे आज? हैप्पी न्यू ईयर या नया साल मुबारक हो, ठीक है। चलिए आज हम, अब हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी आज से, ठीक। और आज हम जीके, ओपन योर जीके बुक्स, प्लांट्स अराउंड अस, प्लांट्स अराउंड अस, यानी कि आपने कुछ प्लांट देखे हैं। वी सी मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस, सम प्लांट्स आर बिग, दीज आर कॉल्ड ट्रीज। कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं? बहुत बड़े बड़े होते हैं, देखे हैं ना। कुछ कितने बड़े बड़े होते हैं और कुछ छोटे छोटे होते हैं, देखे हैं ना आपने। जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं कुछ किसके होते हैं? आम के, नीम के, बरगद के, पीपल के, ये किसके प्लांट होते हैं? खूब बड़े बड़े होते हैं। छोटे कौन से होते हैं? गुड़हल के, रोज के। इनके प्लांट कैसे होते हैं? तुलसी के। इनके प्लांट क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ये क्या कहलाएंगे? पौधे। जैसे ये हमारा क्या है, इस प्लांट को क्या बोलेंगे? मैंगो ट्री। क्या है ये हमारा? मैंगो ट्री। ये कोकोनट ट्री। कौन सा ट्री है ये? देखो इसकी पत्तियां, लीफ को देखना आप, इसकी लीफ अलग है। तो ये कौन सी है? कोकोनट ट्री। ये नीम ट्री, नीम ट्री। ये बनाना ट्री। ये हमारे क्या है? बिग प्लांट्स। क्या है ये हमारे? बिग प्लांट्स। बिग प्लांट्स मीन्स बड़े, जो बड़े पेड़ होते हैं उनको बोलेंगे बिग प्लांट्स। मैंगो, कोकोनट, नीम, बनाना ट्री, ठीक है। मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, नीम ट्री, बनाना ट्री, ये हमारे क्या है? बिग प्लांट। अब सम प्लांट्स आर स्मॉल, कुछ प्लांट्स होते हैं छोटे होते हैं। जैसे ये रोज प्लांट, इस पे है ना रोज लगे हैं ना, ये कौन सा प्लांट है? रोज प्लांट। अब ये क्या कौन सा प्लांट कहेंगे? टमेटो प्लांट। ये कौन सा प्लांट है? टमेटो प्लांट। ये मनी प्लांट, ये बेसिल प्लांट। अच्छा, इन पेड़ों को आप, इन ट्री को आप घर पे गमलों में नहीं उगा सकते। इनको कहाँ पर? जमीन पर, बड़ी बड़ी खुली जगह पे ये प्लांट्स होते हैं। मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, नीम ट्री, बनाना ट्री, इनको खुली जगह पे लगाना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं? बड़े होते हैं, इनको जगह, एरिया ज़्यादा चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आपके ये सब प्लांट कौन से होते हैं? इन्हें क्या हम कहाँ पे लगाते हैं? गमलों में लगाते हैं। आपने देखा होगा, आपकी मम्मी लगाती है ना गमलों पे, तो ये हमारे प्लांट्स गमलों पे लगा सकते हैं। ये जगह भी कम लेते हैं और आप इन्हें किसी भी जगह पे साइड पर रख करके इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आज हम जीके में क्या पढ़ा आपका? प्लांट्स अराउंड अस। कुछ प्लांट बिग होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं। बिग प्लांट, स्मॉल प्लांट, क्लियर, ठीक है। आपको अपनी बुक में से आज इस चैप्टर को क्या करना है? रीड करना है, ठीक। इनके नेम भी याद करने, मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, नीम ट्री, बनाना ट्री। ये हमारे कौन से ट्री हैं? बिग ट्री नेम्स। रोज प्लांट, टमेटो प्लांट, मनी प्लांट, बेसिल प्लांट, ये कौन से प्लांट हैं हमारे? बिग स्मॉल, सॉरी स्मॉल प्लांट है ये हमारे, क्या है? स्मॉल प्लांट, क्लियर, ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? हैप्पी न्यू ईयर। चलिए आज हम इंग्लिश, ओपन योर इंग्लिश बुक चैप्टर 17, यूज ऑफ हिज हर। पहले पढ़ चुके हो ना उसको, आज एक बार और रिपीट करेंगे। यूज ऑफ हिज हर। हिज किसके लिए आता है, किसके लिए यूज करते हैं? लड़की के लिए, हर लड़के के लिए, सॉरी हिज लड़के के लिए, हर लड़के के लिए, हिज लड़के के लिए, हर गर्ल के लिए। ये कौन है? दिस इज तरु।
दिस इज तरु ही हैज ए बुक इट इज हिज बुक दिस इज तरु ही हैज ए बुक इट इज हिज बुक दिस इज हेमा शी हैज ए पेन इट इज हर पेन दिस इज हेमा शी हैज ए पेन इट इज हर पेन दिस इज चिंटू ही हैज ए बैट इट इज हिज बैट दिस इज चिंटू ही हैज ए बैट इट इज हिज बैट दिस इज अंजनी शी हैज ए डॉल इट इज हर डॉल दिस इज अंजनी शी हैज ए डॉल इट इज हर डॉल दिस इज नमन ही हैज ए ट्रॉफी इट इज हिज ट्रॉफी दिस इज नमन ही हैज ए ट्रॉफी इट इज हिज ट्रॉफी दिस इज लवली शी हैज एन ऑरेंज इट इज हर ऑरेंज दिस इज लवली शी हैज एन ऑरेंज इट इज हर ऑरेंज देखिए ये जो हमारे रेड रेड कलर से ये वर्ड्स लिखे हैं ये किसके लिए हिज हर हिज अब किसके लिए यूज हुआ है हिज बॉय के लिए यूज हुआ है हर गर्ल के लिए यूज हुआ है हिज बॉय के लिए यूज हुआ है हर गर्ल के लिए यूज हुआ है हिज बॉय के लिए हर गर्ल के लिए ठीक है अब आपको समझ में आ गया यूज ऑफ हिज हर हिज किसके लिए यूज करेंगे हम बॉय के लिए हर गर्ल के लिए हिज बॉय के लिए हर गर्ल के लिए यूज करते हैं रीडिंग आपको आपने जब आपके एग्जाम हुए थे आप कुछ बच्चों ने अच्छी गुड रीडिंग लगाई थी और कुछ समझ गया ठीक है इसलिए आपको अब इसको रीडिंग पे ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि फिर आप बड़ी क्लास में से जाओगे वहाँ पर आपको ऐसे नहीं पढ़ना टी एच आई एस दिस नो आप सीधा एक सेंटेंस पर दिस इज तरु ही हैज ए बुक इट इज हिज बुक क्लियर आपको ऐसे पढ़ने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दिस इज हेमा शी हैज ए पेन इट इज हर पेन दिस इज चिंटू ही हैज ए बैट इट इज हिज बैट क्लियर करोगे ना ऐसे रीडिंग गुड ओके इस चैप्टर को आपको पढ़ना है रीड करना है आज जैसे मैंने पढ़ा ना आपको ऐसे ही चैप्टर को रीड करना है क्लियर ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम हिंदी में कौन कौन सी मात्राएं पढ़ चुके हैं आ की ई ई ऊ ऊ ए ए ओ औ और रेशे ऋषि की मात्रा कितनी मात्रा है टोटल 10 मात्रा पढ़ चुके हो आज हम अंग की मात्रा पढ़ेंगे अंग अंदर से वाली अंग सही है अब ये क्या है श अं ख शंख शंख झ अं ड आ झंडा प त अं ग पतंग ब अं द र बंदर ठीक चलिए बोलेंगे आप मेरे साथ र अंग ग रंग भ अंग ग भंग ए अंग ग अंग स अंग ग संग द अंग ग दंग झ अंग ड आ झंडा ए अंग ड आ अंडा प अंग ड आ पंडा ड अंग ड आ डंडा ठ अंग ड आ ठंडा च अंग द आ चंदा म अंग द आ मंदा फ अंग द आ फंदा ल अंग द ग आ लंका श अंग क आ शंका ज अंग ग ल जंगल म अंग ग ल मंगल ई अंग ज न इंजन म अंग ज न मंजन त र अंग ग तरंग प त अंग ग पतंग द ब अंग ग दबंग प ल अंग ग पलंग
ले अंग गे उरे लंगूर ए अंग गे उरे अंगूर से अंग दे उ के संदूक बे अंग दे उ के बंदूक ए अंग जे ई रे अंजीर जे अंग जे ई रे जंजीर टे अंग के आ रे टंकार जे अंग के आ रे झंकार आज मैं अंग गे ले मंगल वे आ रे वार है आज मंगलवार है चे अंग दे आ चंदा अब उठो चे अंग दे न चंदन गे अंग गया गंगा में नहाकर मैं अंग दे ई रे मंदिर चलो गे अंग टे आ घंटा और शे अंग खे शंख बे जे आ ओ बजाओ मैं अंग त्रे मंत्र पढ़ो सब शै आ अंग ते शान रहो रे अंग रंग में भे अंग भंग मत करो कौन सी मात्रा आपकी अंग की मात्रा चलिए एक बार और रिपीट करेंगे अभी तो हमने कैसे प्रति प्रयासन आपको रे अंग रे रंग भे अंग भंग ए अंग अंग में अंग ले मंगल पे ते अंग पतंग ए अंग ऊरे अंगूर जे अंग जे ईरे जंजीर ऐसे अब आपको क्या पढ़ना है इसको बोलो बोलो मेरे साथ बोलेंगे रंग भंग अंग संग दंग रंग भंग अंग संग दंग झंडा अंडा पंडा डंडा ठंडा झंडा अंडा पंडा ठंडा डंडा चंदा मंदा फंदा लंका शंका चंदा मंदा फंदा लंका शंका जंगल मंगल इंजन मंजन जंगल मंगल इंजन मंजन तरंग पतंग दबंग पलंग तरंग पतंग दबंग पलंग लंगूर अंगूर संदूक बंदूक अंजीर जंजीर टंकार झंकार आज मंगलवार है चंदा अब उठो चंदन गंगा में नहाकर मंदिर चलो घंटा और शंख बजाओ मंत्र पढ़ो सब शांत रहो रंग में भंग मत करो कौन सी मात्रा थी बेटा आपकी ये अंग की मात्रा कौन सी मात्रा थी अंग की ये हमारी कौन सी मात्रा कहलाएगी अंग की जैसे हमारा रे अंग गे तो ये जो हमारा अंग है ये हमारा यहाँ पे रे अंग गे रंग सही है द अंग गे दंग ठीक मैं ये आपको ध्यान रखना है ये किसकी मात्रा है जो ऊपर बिंदी है वो अंग की मात्रा अब मैं ऐसे बना दूँ आपको चै अंग दे आ तो क्या बनेगा ये चंदा चे अंग दे आ चंदा तो अंग की बिंदी यहाँ पे हम यूज करेंगे ऐसी सही है ऐसे ही कै अंग गा क्या बन जाएगा ये कंगा ऐसे इसको यूज करेंगे आप बे अंग दे रे क्या बनेगा बे अंग दे रे बंदर चे अंग दे ने क्या बनेगा ये चे अंग दे ने चंदन ठीक है आपको इसकी बुक में से क्या करनी है आपको रीडिंग लगानी है बता दिया मैंने आपको कि अंग की मात्रा ऐसे पड़ी जाएगी ऐसे ले
अंग गे उरे क्या बन जाएगा ये ल क्या बना ये लंगूर। ठीक, आपको ऐसे अपनी बुक में से इस चैप्टर को आज रीड करना है, पढ़ना है ऐसे जैसे मैंने आपको पढ़ाया है। रंग भंग संग अंग दंग झंडा अंडा फंडा डंडा ठंडा मंदा चंदा मंदा फंदा लंका शंका जंगल मंगल इंजन मंजन तरंग पतंग दबंग पलंग लंगूर अंगूर संदूक बंदूक अंजीर जंजीर टंका झंका। ठीक, ये हमारी जो आपको रेड कलर की दिखाई दे रही है ना यहाँ पे, ये हमारी है अंक की मात्रा। अंक की मात्रा कहाँ लगेगी? व्यंजन के ऊपर लगती है। सही है, जैसे यहाँ पे झंडा पतंग बंदर हंस अंगूर, ये हमारी अंक की मात्रा इनके ऊपर लगी है। चंदा अब उठो चंदन गंगा में नहाकर मंदिर चलो घंटा और शंख बजाओ मंत्र पढ़ो सब शांत रहो रंग में भंग मत करो। ठीक, पढ़ोगे सब बच्चे अपनी बुक में से? गुड, थैंक यू।